वीडियो के साथ आपका मेजबान अजहर अली हाजिर है। आज हमारा जो सफर होगा सिकरदू से देवसाई टॉप तक होगा, तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे सिकरदू से देवसाई टॉप का जो सफर है और उसके साथ वहां के आसपास की जो वादियां, आसपास की जो खूबसूरती है वो इस हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। सतपारा टॉप पहुंचने के लिए सिकरदू से तकरीबन 2-2.5 घंटे लगते हैं और आसपास के काफ़ी खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं दौरान सफ़र। लेकिन रोड की मैं बात करूं तो रोड काफ़ी रिस्की रोड है, क्योंकि आप देख सकते हैं ग्लेशियर है, ठंड है और उसके साथ ऑफ रोड है। सिर्फ 4x4 गाड़ी यहां पर कामयाब है, कार वगैरह अक्सर चलती हैं, लेकिन देवसाई टॉप तक पहुंचने तक कार की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, लेकिन आप कार में भी आ सकते हैं। तो ये आप खुद रोड देख सकते हैं, कल रात काफ़ी बारिश हुई थी, बारिश के बाद फिर एक जगह पर ब्लॉक भी हुई थी देवसाई रोड, लेकिन यहाँ पर कल रात को ही काफ़ी टूरिस्ट हजरात फंसे हुए थे, तो गवर्नमेंट ने कल रात ही इसकी सफाई की है। तो जिस मकाम पर अभी हम पहुँचे इसी जगह पर ब्लॉक हुआ, तो ये देखिए पूरा लैंड स्लाइडिंग ऊपर से हुई थी और ये रोड यहाँ पर काफ़ी ख़राब हुई है क्योंकि कल रात लैंड स्लाइडिंग की वजह से। तो जो स्लाइड वाले जो मिट्टी वगैरह है वो नीचे पहुंची है और छोटा सा तालाब बना है जो खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, झील नुमा और ये रोड की कंडीशन है। तो इंशाल्लाह वीडियो के साथ बने रहें, देवसाई टॉप पहुंचने के बाद हम आपको दिखाएंगे वहाँ के खूबसूरत।
अच्छा, ये सामान वगैरह आपकी है सारी? ये ठेकेदार की है पूरा सामान। आप लोगों का गाँव का रास्ता बहुत रिस्की है यार। इतना रिस्क भी नहीं है, हम रोजाना चल रहे इधर से। अच्छा, तो अभी इंशाल्लाह मजीद 4-5 घंटे में पहुंच जाएंगे ऊपर। 4-5 घंटे मजीद लगेंगे। गाँव का नाम क्या है आपका? गिनियाल। गिनियाल। ये हमारे साथ रजा भाई हैं और इसके ये हमारे साथी दूसरे। इस जगह पे सिर्फ 4x4 चलती है। क्यों जी? 4x4 चलती है। तो नाजरीन, फिलहाल आखिर हम सतपारा टाप पहुंच चुके हैं। तकरीबन सिकंदू सिटी से कोई 2 घंटे हमें लगे 4x4 गाड़ी में, और काफी रोड खराब थी। और ये आप देख सकते हैं सतपारा टाप, काफी खूबसूरत नजारे यहाँ से। तो नाज़रीन, इस वक्त हम सतपारा टाप पहुँच चुके हैं। सुबह तकरीबन हम 5 बजे निकले थे सुबह, और अभी तकरीबन 7-7.5 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। कोई 2-2.5 घंटे लगे हैं। तो यहाँ पे अभी काफ़ी ठंड है, ये आप देख सकते हैं। कोट वगैरह हमने पहना हुआ है, और ये खूबसूरत नज़ारे हैं आसपास। यहाँ पे टॉप सतपारा टॉप पर होटल्स वगैरह भी बनी हुई हैं, यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे नाश्ता पानी खाना पीना भी मिलेगा, मस्जिद भी यहाँ पर है। तो अभी हमारा सफ़र आगे रहता है। हमने यहाँ से फिर आगे इस ये जो रोड हल्की सी नज़र है, यहाँ से आगे जाना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आगे का रास्ता। तो हमारे साथ हमारे साथी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जीएम साहब, क्या हाल है जी? खैरियत से? ठीक ठाक है। कैसा रहा सफ़र सिकरदू से सतपारा टॉप तक? बड़ा बेहतरीन सर, सफ़र का मज़ा तो अभी यहाँ से आगे शुरू होगा। तो मौसम भी आज थोड़ा ठंड है। तो नाजरीन को, हमारे नाजरीन को बताएं जी, मतलब इस जगह के हवाले से और यहाँ के मौसम के हवाले से। इधर का मौसम के बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त जन्नत का मौसम भी होता है और जहन्नम की भी बन सकता है। अभी ठंड है, क्यों आज ठंड है काफ़ी मौसम ख़राब होने की वजह से। तो इधर से आगे अभी इंशाल्लाह हम जाएंगे शिंगू शिखर के रास्ते, बरेला से होते हुए शिंगू शिखर। तो अपना देवसाई का जो खूबसूरती है ना, यहाँ से फिर आगे शुरू हो जाएगी असल देवसाई की खूबसूरती। यहाँ से अच्छा अच्छा यहाँ से नीचे तो सरदारा नाला ही नजर आएगा। चले जी, जबरदस्त जबरदस्त। तो हमारे साथ मजीद साथी भी हैं जी। मुर्तजा भाई जी, फरमाएं क्या कहेंगे देवसाई इस टाइम? लोगों को आना चाहिए इस टाइम? हाँ, लोगों को देवसाई में चक्कर करने वाले यही टाइम है। इससे पहले थोड़ा आए तो उस वक्त जो है नए ताज़ा फूल खिलते हैं और सरसब्जी ज़्यादा होती है। अच्छा, ये फूल अच्छा, अभी इधर नज़र आ रहे हैं, अभी खिले हैं ना, उससे पहले ताज़ा जो सब्ज़ा निकलता है वो उसमें बहुत बड़ा खूबसूरती होती है, क्योंकि अभी ये जो है फूल निकल के अभी थोड़ा बड़े हो गए हैं। अच्छा, ये नेचुरल फूल है यहाँ पे जो? ये कुदरती फूल है जी, नेचुरल। ये कुदरती है, कोई यहाँ पे कोई वो नहीं है, तमाम जो भी है कुदरती सब्ज़ा है ये। तो ये है जी, काफ़ी मौसम भी अच्छा है, नज़ारे भी काफ़ी कमाल के नज़ारे हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को हम यहीं पर अख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट हम आगे जाएंगे सतपारा टॉप से, हम आगे जाएंगे गुलतली वैली की तरफ, और गुलतली वैली से पहले हम जाएंगे इंशाल्लाह बड़ीला की तरफ, जहां पर 6 जिले मौजूद हैं एक साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह
क्योंकि मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ सिकरदू से गुलतरी तक, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाएंगे बड़ी ला जहाँ पर 6 जिले हैं, और यहाँ से आगे का रास्ता हम दिखाएंगे सतपारा टॉप से आगे असल देवसाई का जो असल जो खूबसूरती है बड़ी ला की तरफ, वो भी हम इस वीडियो में आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आपके मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।